द नन, जिसके नाम से ही लोगों की हवा निकल जाती है। क्या ये असलियत में कभी हुआ करती थी, जानेंगे हम आज के वीडियो में। लेकिन आज मैं आपको इतिहास की सबसे बेदर्द चुड़ैल की असली कहानी बताने वाला हूँ। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके शरीर में 6-6 आत्माएं प्रवेश कर गई थी। और ये एक सच्ची घटना है जिसके ऊपर एक हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ रियल स्टोरी ऑफ द एग्जॉर्सिस्ट। तो ये वीडियो काफी डरावना होने वाला है, तो इसको रात में और अकेले में बिल्कुल मत देखना। और हाँ, कमेंट पढ़ना छोड़ो और वीडियो पर ध्यान दो। तो शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। इतिहास में भूत प्रेतों से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिन्हें सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। एक ऐसी ही कहानी है द नन की। माना जाता है कि हॉलीवुड फिल्म द नन एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये फिल्म चर्च की एक भूतहा नन के ऊपर बनी हुई है। माना जाता है कि इस नन के अंदर वलाक नाम की एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा प्रवेश कर जाती है, और वलाक इस नन के शरीर पर कब्जा करके एक डेमोनिक नन का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वलाक नाम का ये बालक आखिर है कौन। माइथोलॉजी में वलाक को प्रेसिडेंट ऑफ हेल कहा जाता है। ये एक छोटे से बच्चे की तरह दिखता है, एक एंजल किड की तरह। लेकिन ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि ये दो सिर वाले ड्रैगन पर सवारी करता है। लेकिन हमारा मेन टॉपिक वलाक नहीं बल्कि नन है। तो अब जानते हैं कि द नन की जो कहानी है उसका रियल लाइफ से कितना संबंध है। 1970 में डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन ने एक डेमन नन का केस इन्वेस्टिगेट किया। जो लोग भूत प्रेतों की घटनाओं को इन्वेस्टिगेट करते हैं उन्हें कहा जाता है डीमोनोलॉजिस्ट। 1952 में रोमानिया के सेंट कार्टा में एक एबी नाम की जगह है। कहा जाता है कि वहाँ एक ऐसा दरवाजा है जहाँ पर शैतान वलाक रहता है। उस दरवाजे के आगे भगवान का राज नहीं बल्कि शैतानों का राज है। एबी में रहने वाली दो नन उस दरवाजे के पास गईं, जिनमें से कि एक शैतान के हाथों मारी गई। अब सवाल उठता है कि ये दोनों नंस उस दरवाजे के पास आखिर क्यों गई थीं? कई सालों से ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर वलाक का राज था। तो ये दोनों नंस ईश्वर की शक्ति का इस्तेमाल करके उस शैतान को धरती से वापस नर्क में भेजना चाहती थीं। जिनमें से एक तो शैतान के हाथों मारी गई और दूसरी ने पहले से की गई प्लानिंग के मुताबिक फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। और इसी केस की इन्वेस्टिगेशन की थी एड और लॉरेन ने। और ये जो पूरी घटना है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आया था द नन मूवी का। उसके अलावा मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो कुछ काल्पनिक है। जो द नन मूवी है वो कॉन्जरिंग सीरीज की मूवी है। और ये जो कॉन्जरिंग सीरीज है, ये डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन ने जितने भी केस सुलझाए हैं उनके ऊपर बेस्ड थी। जैसा कि एनाबेल डॉल का केस, उसके बाद पेरेंट्स फैमिली का केस। तो द नन मूवी में बताई गई कोई भी बात सच नहीं है, ये पूरी तरीके से काल्पनिक है। वलाक का यहाँ पर जिक्र किया गया है क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल डीमन है। लेकिन कॉन्जरिंग सीरीज में जो मूवी आई थी एनाबेल और पेरेंट्स फैमिली पर बेस्ड, उन दोनों की कहानी 100% रियल है। ये दोनों फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शायद द नन मूवी भी सच्ची घटनाओं पर ही बेस्ड होगी। अब मैं आपको बताता हूँ पेरेंट्स फैमिली के साथ क्या हुआ था। इस परिवार में 5 बेटियां थीं। इन लोगों ने 1970 के साल में 200 एकड़ का एक फार्म हाउस खरीद लिया था। लेकिन यह फार्म हाउस भूतिया था। इस हॉन्टेड जगह पर उनके रहने के बाद अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थीं। ये पेरेंट्स फैमिली का रियल फोटो है जो उसी फार्म हाउस पर खींचा गया था। जब घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ गई और उन लोगों का यहाँ चैन से रहना मुश्किल हो गया, उसके बाद पेरेंट्स फैमिली ने फैसला किया कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ पर बुलाएंगे और इस जगह को पवित्र करवाएंगे ताकि यहाँ पर बसी हुई आत्माएं इस जगह को छोड़कर चली जाएं। तो उन्होंने बुलवाया डीमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन को। लेकिन जब इस जगह की पूरी तरह से जांच की गई तो पता चला बात हाथ से निकल चुकी है। और फाइनली पेरेंट्स फैमिली को अपनी जगह ये फार्म हाउस छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक साइकोलॉजिकल फैक्ट। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। अगर आप ऐसी किसी सुंदर जगह पर हो जहाँ पर एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो और कोई आपसे पूछे कि क्या भूत होते हैं, क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं या आप भूतों से डरते हैं, तो 99% लोगों का जवाब होगा हम भूतों पर विश्वास नहीं करते और ना ही हमें उनसे डर लगता। और उसी कॉन्फिडेंट इंसान को ले जाकर अगर ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहाँ पर बहुत ही नेगेटिव और अंधेरा माहौल हो, आसपास उसके कोई भी ना हो, तो उसी इंसान का जवाब बदलने में देर नहीं लगेगी। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको भी ऐसी ही किसी जगह पर छोड़ दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि क्या आपको भूतों से डर लगता है, आपका जवाब क्या होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
एक्सोरसिज्म ऑफ एमिली रोज, इस मूवी को आपने या तो देखा होगा नहीं तो इसका नाम तो जरूर सुना होगा। ये फिल्म आई थी 2005 में और ये 23 साल की एक लड़की के जीवन पर आधारित थी और इस लड़की के साथ ऐसी घटना हुई थी जो भगवान ना करे किसी और के साथ कभी हो। तो मूवी में जिस कैरेक्टर का नाम था एमिली, उसका रियल लाइफ में नाम था एनिलिसे। एनिलिसे को स्कूल जाना बहुत पसंद था और वो पढ़ने में काफी होशियार थी। जब वो 16 साल की थी तब वो एक बार स्कूल में बेहोश हो गई थी और उसके बाद से ऐसी घटनाओं का सिलसिला जारी रहा। उसे कई बार डॉक्टरों को दिखाया लेकिन उसकी बीमारी किसी भी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों एमिली अचानक से बेहोश हो जाती थी। उसके बाद 1970 में एनिलिसे को टीवी की बीमारी हो गई जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एनिलिसे का दावा था कि उसे तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं, उसे अपनी आसपास अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। 1973 में एनिलिसे को एक चर्च में ले जाया गया और प्रार्थना के दौरान उसको हेलुसिनेशंस होने लगे। तब उसको यकीन हो गया कि उसके अंदर कोई शैतान घुसा हुआ है। कई सालों तक एनिलिसे का इलाज करवाया गया लेकिन डॉक्टर्स उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे और ना ही उसके हालातों में कोई सुधार आ रहा था। एनिलिसे बहुत सारी धार्मिक चीजों से जैसे क्रॉस से दूर रहने लगी। वो चर्च में नहीं जाया करती थी और उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो फर्श पर बिखरा हुआ अपना मूत्र भी पी लिया करती थी। वो कीड़े और मिट्टी खाया करती थी और इसी वजह से उसकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। फाइनली एनिलिसे की फैमिली ने फैसला किया कि इसके शरीर के अंदर जो भूत है उसे निकालने के लिए हमें चर्च के फादर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। फाइनली उसके अंदर छिपे हुए भूतों को निकालने के लिए, आत्माओं को हटाने के लिए द एक्सोरसिज्म की प्रोसेस की गई और इसी पर बेस्ड थी इस मूवी की पूरी कहानी। पादरियों ने पाया कि एनिलिसे के शरीर में कम से कम 6 बुरी आत्माएं मौजूद थी। एनिलिसे की मौत 1976 में हो गई। चर्च के फादर्स उसको बचा नहीं पाए। जब उसके शरीर की ऑटोप्सी की गई तो पता चला कि उसकी हड्डियां टूटी हुई हैं, उसके दांत टूट चुके हैं, उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और उसके शरीर के कई अंगों पर चोट के निशान भी थे। और जब आगे इन्वेस्टिगेशन की गई और पुलिस को पता चला कि चर्च के फादर्स ने और इसके पेरेंट्स ने मिलकर इसके शरीर से आत्माएं निकालने के लिए एक्सोरसिज्म की प्रोसेस की है तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इतिहास में ऐसी बहुत सारी सच्ची घटनाएं हुई हैं जिन पर लोग विश्वास नहीं करते और ऐसी बहुत सारी काल्पनिक कहानियां हैं जिन पर लोग आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। लेकिन आखिरकार सच क्या है, ये वही इंसान जान सकता है जिसने ये सारी चीजें खुद झेली हों। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और किसी भी अनजानी और डरावनी जगह जाने से पहले दो बार सोच लेना क्योंकि किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ और उनको भी थोड़ा सा डरा देना। नए हो तो सब्सक्राइब कर ही जाना, जल्दी से 8 लाख सब्सक्राइबर्स कर दो चैनल के। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।